ओके okay, बिल्कुल मुंबारी बिल्कुल लाइफ एट लाइफ आई हमारी खास सीरीज बाजार फिर से दीप मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। 4750 पर बैंक निफ्टी और निफ्टी वापस से 1900 की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है, तो अच्छी रिकवरी आने के आसार है और इसी पर चलते हैं हमारी खास पेशकश की तरफ। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज के त्रिदीप भट्टाचार्य साहब, जो इंडियन मार्केट्स पर और पूरे दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस से SPGN इंस्टीट्यूट से और साथ ही BTech की डिग्री हासिल की है IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में और लंबा गहरा अनुभव आपका कई सारे म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करने का है। प्रदीप सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई, लाइफ हाई पर बाजार हैं, रोज नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, आई एम श्योर आपकी टीम और आपके सारे इन्वेस्टर्स भी बड़े खुश होंगे, बहुत बहुत बधाई सर। नमस्कार आपको भी, आपके आपके सारे दर्शकों के लिए भी, उनके लिए भी ऑल टाइम हाई, होपफुली उनके उनके स्टॉक होल्डिंग्स, उनके म्यूचुअल फंड होल्डिंग सब ऑल टाइम हाई पे हैं, which is a good starting point. ये बात आपने बहुत सही की, उनके होल्डिंग्स भी हाई ऑल टाइम हाई के आसपास होंगे या बड़े होंगे। इस बार पहली बार ऐसा है ना, लोगों को कंप्लेन नहीं है, नहीं तो ये लोग होता है अरे लाइफ है मेरा तो शेयर चला ही नहीं, मेरी तो NAV बढ़ी नहीं इस बार, लेकिन आमतौर पर आपको लग रहा है लोग खुश है। सो मेरे ख्याल में बात सही है आपकी, इस बार उतनी रंजिश नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये जो अगर आप पिछले 3-4 महीने का रैली देखें तो काफी ब्रॉड बेस्ड रैली रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करें आज से 2 साल पहले जब रैली हुई थी तो वो काफी नैरो रैली होती थी, कुछ चुनिंदा स्टॉक 5-10 स्टॉक ऊपर नीचे ज्यादा जाते थे और इसलिए काफी लोग ऐसा लेफ्ट आउट सा फीलिंग करते थे। इस बार क्योंकि काफी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम इस रैली में, मोटा मोटी सबके शेयर्स कुछ ना कुछ कुछ ज्यादा कुछ कम, पर सारे स्टॉक्स चले हैं, इसलिए मेरे ख्याल में रंजिश इस बार थोड़ी सी कम है। थोड़ी कम, अच्छा सर इस बार थोड़ा है ना क्वालिटी वाइज भी आपको लगता है कि रैली बेहतर है, क्योंकि हर बार नहीं तो क्या होता है कचरा स्टॉक ज्यादा भाग जाते हैं, इस बार 3-4 महीनों से बढ़िया तेजी चल रही है उसके बावजूद कचरा स्टॉक या फिर वो कई बार बोलते हैं मार्केट में इधर उधर की एक्टिविटी, ये चलेगा वो चलेगा टाइप, इस बार कम है ऐसा? देखिए ये मेरे ख्याल में अगर ये जो आप बोल रहे हैं मेल्टअप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो मेल्टअप अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो अगर वो मेल्टअप होगा तब आपको लो क्वालिटी शेयर्स जो आपने बोला उनका उनका जो चढ़ाव है वो काफी ज्यादा हो जाता है, वहां तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। अगर आप वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निफ्टी 50 21 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड है, जो कि हिस्टोरिकल कंपैरिजन में से अबाउट 10-12% ज्यादा है, बट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है कि मतलब इरेशनल एक्सुबरेंस स्टेज में चला जाए। सो ब्रॉडली फेयर वैल्यू जोन में है पिछले 3-4 महीने से चलने के बाद, इसलिए अभी स्टॉक सिलेक्शन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन अभी वो स्टेज में नहीं पहुंचा है कि सब लो क्वालिटी शेयर्स एकदम चढ़ के बैठे हैं जिसके लिए तकलीफ होती हो एक्टिव फंड मैनेजर्स को या मोर जनरली एज वेल। उम्मीद करता हूँ ऐसा स्टेज ना आए, क्योंकि उसके बाद जो गिराव देखने को मिलता है वो काफी दर्दनाक होता है, पर अभी मार्केट का सूरत हाल तो ऐसा लगता है मुझे। कभी भी आप कहने की गुंजाइश है, थोड़ी और बढ़त बन सकती है, क्या पसंद है आपको, कौन सी स्पेस ऐसी दिखती है जहां पर आपको अभी भी गुंजाइश दिखती है? देखिए मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया, ये मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू टाइप की मार्केट है, तो फेयर वैल्यू मार्केट में आपको पॉकेट्स ढूंढने होंगे जहां पे कि अर्निंग्स अपग्रेड्स होने के आसार हों या फिर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा बढ़ ना गए, और ये दोनों का दारोमदार साथ में एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है। सो इसमें मेरे ख्याल में आज के डेट में अगर मैं देखूं तो इंक्रीमेंटली स्पीकिंग IT सेक्टर के जो नतीजे आए हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि चीजें शायद इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा खराब नहीं हो रही, और जब चीजें बहुत ज्यादा खराब, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी हो रहा है पर खराब भी नहीं हो रहे, तो एक न्यूट्रल सा जोन है जो कि मुझे लगता है कि फ्रॉम अ सेक्टोरल स्टैंडपॉइंट, पोर्टफोलियो एलोकेशन स्टैंडपॉइंट, ये एक अच्छा एरिया है जहां पे अगले 2-3-4 महीने में कुछ शेयर शायद अच्छे वैल्यूएशंस में बॉटम पिकिंग में मिल सकते हैं।
दूसरा एक जो जगह मुझे काफी हद तक देखने को मिलता है वो है बेसिकली ये जो कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है, ये मेरे ख्याल में अब ये 5 साल के अप साइकिल में है। ये स्टॉक थोड़े से चले हुए हैं, इसलिए मुझे कोई वो नहीं, डाउट नहीं होगा कि अगर थोड़े करेक्शन आ जाए, पर नेट नेट अगर थोड़ा सा लंबा देखें तो इस सेक्टर में मुझे लगता है कि अभी भी काफी अर्निंग्स अपग्रेड आना बाकी है, जो कि आपको अगले 3-4 साल में देखने को मिलेगा। तो एक सेक्टर जो इंक्रीमेंटली देखना चाहिए, एक जो मेरे को लगता है कि मीडियम टर्म बुल मार्केट में है, तो ये दो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पे मेरा ध्यान है। इंटरेस्टिंग है। तो आईटी तो थोड़ा सा आप यहाँ पर वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप अभी भी पॉजिटिव रह सकते हैं, लेकिन त्रिदीप सर साथ ही ये बताएं कि कहाँ सावधान रहना है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक भागे हैं तभी लाइफ हाई पर पहुंचे हैं, तो कहीं कोई ऐसे हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस महंगे हो गए या फंडामेंटल तो उतने मजबूत ना रहे हों? तो स्टॉक्स तो मैं चैनल पे शायद नहीं बोल पाऊं, बट आपको एक फ्रेमवर्क जरूर दे जी जाता हूं जी जी कि जी सर स्टॉक्स के जो हम लोग करते हैं वो ये है कि कोई भी स्टॉक्स में जहां पे कि वैल्यूएशन रीरेटिंग होकर के ये टॉप क्विंटाइल में पहुंच गए हो, या मतलब बाजार के टॉप 15% में पहुंच गए हो और अर्निंग्स ग्रोथ उतना रीरेट नहीं हुआ हो, अर्निंग्स अपग्रेड नहीं आया हो, ऐसा जो एक ये जो एक दो कॉम्बिनेशन होता है, ये बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, हम इसको पेनल्टी बॉक्स कहते हैं। इसमें जो जो शेयर हो वहां से निकल जाना चाहिए। और अगर आप सेक्टर्स की तरफ रुझान करें कि ऐसा कोई सेक्टर जहां पे है, वहां पे कुछ कुछ जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स जैसे पहले पिछले 3-4 महीने में अचानक से बहुत बढ़ गए थे, फिर वो थोड़े से करेक्ट हुए हैं ऑफ लेट, पर कुछ कुछ जगहों पे अभी भी एक्सेसेस बाकी है। इससे ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना डेंजरस होगा, पर मुझे लगता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप इकोनॉमी को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी अभी भी ठीक ठाक कर रहा है फंडामेंटली। कंजम्पशन साइड ऑफ द इकोनॉमी में थोड़ी बहुत अभी भी तकलीफ है। वहां पे अगर कुछ आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स चल गए हो तो आपको केयरफुल रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा सा सावधान रहे। लेकिन एक और स्पेस है जहां मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले, जिसमें तीनों ही बैंक, NBFC एक हो गया, फिर आपके ऑटो और रियल एस्टेट। सर इन पर क्या व्यू है आपका? मुझे लगता है कि बैंक्स और NBFC को अगर आप देखें, जिसको हम लेंडिंग फाइनेंशियल्स का अगर आप उसको औहदा दें, तो मैं करूंगा कि लेंडिंग फाइनेंशियल्स अगले 2 साल में मेरे ख्याल में एक स्वीट स्पॉट से जगह में है, जहाँ की एसेट क्वालिटी को लेकर के चिंताएं कम है और इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ चढ़ाव पर है। ऐसे माहौल में बैंक्स और NBFC के जो लेंडिंग फाइनेंशियल्स के नतीजे होते हैं वो बेहतर होते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक न्यूंस है, एक बारीकी तरीके से देखने की जरूरत है। वो ये कि जब रेट्स पीक आउट हो जाते हैं और नीचे आने की बात आती है, तब शायद NBFC की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए बैंक्स के बनिस्बत। बैंक्स ने अभी तक अच्छा किया है, फिर आगे चल के शायद ये सिचुएशन चेंज हो। सो लेंडिंग फाइनेंशियल्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट थोड़ा NBFC ज्यादा, बैंक्स कम। ये हो गई एक बात। दूसरा, आपने बात करी ऑटो और रियल एस्टेट में, इन दो में से इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में हमारा रुझान रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक 5 से 7 साल के अप साइकिल में है, जहाँ की पहले हम 2 से 3 साल में है उस तेजी के, और वो इसलिए क्योंकि सारे देश में अगर आप देखें तो अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो कि तेजी की सबसे पहला चरण होता है, वो काफी कम है। तो ऐसे माहौल में देखा गया है कि अगर कोई मंदी आती भी है तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, और अगर तेजी आती है तो उसका एम्प्लीफिकेशन ज्यादा खेलने को मिलता है। सो रियल एस्टेट की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा है। ऑटो जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। इसमें अभी आज के डेट में एक तरफ तो ईवी का डिसरप्शन हो रहा है, दूसरी तरफ टू व्हीलर में थोड़ा बहुत रिकवरी आ रहा है, और तीसरे तरफ रूरल जो सेक्टर है वो क्या बोलते हैं, थोड़ा बॉटम आउट होने के फिराक में है। सो नेट नेट जब ऐसे इतनी सारी चीजें एक सेक्टर में हो, तो इसमें रादर देन थिंकिंग ऑफ देम एज रेट सेंसिटिव, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप व्यू लेना बनता है, जो हम लोगों ने लिया है। तो सेक्टर्स के बीच में टू व्हीलर्स में हम पॉजिटिव हैं, रूरल की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा है, और जनरल पीवी साइकिल हम अब उतना नहीं खेल रहे हैं जितना हम पहले थे।
थोड़ा सा लॉन्ग माइंडेड आंसर हुआ आपके जवाब में, बट उम्मीद करता हूँ आपके दर्शकों को क्लैरिटी मिली हो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट है सर। अच्छा एक सवाल आप मेरा हो रहा है आजकल, क्या सर आईपीओ भी बहुत आ रहे हैं और आईपीओ पर कोई भी 60-70-100 गुना बढ़ जाता है, थोड़ा भी ठीक है, म्यूचुअल फंड के पास भी पैसा बहुत है, बोले लगा लो एप्लीकेशन, कम से कम नीचे तो लिस्ट नहीं होगा, स्मॉल कैप मिड कैप में इतना पैसा पड़ा। अच्छा सर ये बताइए कि एक तो ये जो नया आईपीओ आ रहे हैं उनको कैसे देखना, और दूसरा ये कि ये न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों के शेयर फिर से जोर से चल पड़े हैं, इन पर आपका क्या व्यू है? तो ये एक एरिया जैसा हुआ जो मैंने शायद आपने जब पूछा कि कहाँ केयरफुल रहना चाहिए, वो शायद मुझे वहां मेंशन करना चाहिए था, जो मैं अभी मेंशन कर देता हूँ। ये नए आईपीओ में थोड़ा सा ध्यान से काम रखे, मतलब ध्यान रख के काम करना चाहिए। सो मतलब पहला तो मैं ये कहूँगा कि कुछ जैसे रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड हुए उस तरीके तरफ रुझान करें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड का ड्यू डिलीजेंस जो है उसको बेनिफिट इन्वेस्टर को मिल जाता है। लेकिन अगर आप आईपीओ की तरफ ध्यान करें तो वो स्टॉक्स जिनके की वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो रहे हों, और पर्टिकुलरली यूफोरिक मार्केट में ऐसा देखने में आया है कि 50-60 टाइम के ऊपर काफ़ी स्टॉक्स चले जाते हैं जबकि उनका ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड लिमिटेड होता है। तो ऐसे माहौल में ऐसे हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत केयरफुल रहना चाहिए मेरे ख्याल में। जब तक कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ की अच्छी पकड़ ना हो तब तक हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स की तरफ ध्यान ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये है आपके लिए राय बिल्कुल आती हुई। इस वक्त ई कॉमर्स कंपनियों पर नए आईपीओ पर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि अगर यहाँ वैल्यूएशन महंगे हैं और अगर कुछ भी झटका लगा तो बड़ा मुश्किल हो सर। धन्यवाद त्रिदीप सर, समय दिया आपने और पूरे विस्तार से बाजार पर सेक्टर्स और इन्वेस्टर्स को अपने आउटलुक आपने बताया कि आगे किस तरह से अप्रोच करना। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार नमस्कार सर। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के